गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ रमेश चंद जी। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 विषय गणित प्रश्नावली 4 वैदिक गणित भाग 3 पढ़ेंगे। शुरू करें। देखो, गुणन संक्रिया निकलम विधि से चरम अंक संख्या का इकाई अंक निकलम अंक संख्या के सभी अंक। उदाहरण 427 में चरम अंक 7, निकलम अंक 4, 2, 7। समझ आ गया। विचलन डी आधार बराबर 10 पर संख्या में से 10 घटाया जाता है। पहला, यदि संख्या आधार से बड़ी होती है तो विचलन धनात्मक होता है। उदाहरण, संख्या 14 का विचलन बराबर 14 माइनस 10 बराबर प्लस 4। समझ आ गया। दूसरा, यदि संख्या आधार से छोटी है तो विचलन ऋणात्मक होता है। उदाहरण, संख्या 8 का विचलन बराबर 8 माइनस 10 बराबर माइनस 2। 7 का विचलन 7 माइनस 10 बराबर माइनस 3। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 1, आधार 10 पर सूत्र निकलम द्वारा गुणा कीजिए। पहला, 11 × 15 कैसे करेंगे? सबसे पहले संख्या को लिखेंगे 11 × 15। विचलन निकालेंगे, 11 का विचलन 11 माइनस 10 प्लस बराबर प्लस 1। 15 का 15 माइनस 10 बराबर प्लस 5। अब 11 प्लस 5 / विचलन का गुणा 1 × 5 बराबर 5। 11 प्लस 5 बराबर 16 / 5 बराबर / हटाएंगे कितना मिला? 165। समझ आ गया। दूसरा, 9 × 11 सबसे पहले संख्या लिखेंगे 9 11
विचलन निकालेंगे, 9 माइनस 10 बराबर -1, 11 का विचलन, 11 माइनस 10 +1 लिख देंगे। अब 9 + 1 ऑब्लिक विचलन का गुणा करेंगे, -1 गुणा +1 बराबर -1 बराबर 9 + 1 10 ऑब्लिक -1। अब 10 में से 1 इधर ले जाएंगे। याद रखना आधार 10 पर संख्या आती है। क्या लिखेंगे, 10 - 1 9 + 9 बराबर ऑब्लिक हटाएंगे, क्या मिला, 99। समझ आ गया। अभ्यास प्रश्न, प्रश्न 1, आधार 10 पर सूत्र निकलम द्वारा गुणा कीजिए। पहला 12 × 9, दूसरा 15 × 12 लिख लोगे। ओके, थैंक यू।